आज हम लोग 11 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 8 मैथ्स के अंदर कंटिन्यूटी ये स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यूटी ये जो कंसेप्ट है ये लिमिट के ऊपर बेस्ड है। ये चैप्टर आने के लिए आपको लिमिट चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको लिमिट चैप्टर आता है तो ही ये चैप्टर आपको ईजी लगेगा। लिमिट आपने नहीं सीखा होगा तो इसके सम्स आप नहीं कर पाएंगे। अब ये कंटिन्यूटी है क्या, उसको सीखते हैं। बेसिक कंसेप्ट जनरल लैंग्वेज में, यानी हम लोग आमतौर पर जब कोई बात करते हैं तो कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ लगातार हो रही है तो वो कंटिन्यूअस है। जैसे कि आप रोज़ टाइम टेबल से पढ़ाई कर रहे हो तो दैट इज़ व्हाट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन आप समझो दो दिन आपने पढ़ाई की, दो दिन छुट्टी ले लिया, बुक को हाथ भी नहीं लगाया, फिर चौथे दिन पढ़ाई कर रहे हो, फिर एक दो दिन पढ़ाई किया, फिर चार दिन पढ़ाई नहीं किया, तो ये क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है कि आप एक काम कर रहे हो जो लगातार नहीं कर रहे हो, वो ब्रेक देके कर रहे हो। सो दैट इज़ व्हाट डिसकंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या है कि कोई एक काम हो रहा है जो रोज़ हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो जनरल लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी। बट यहाँ मैथ्स में कंटिन्यूटी क्या, मैथ्स में कंटिन्यूटी बना है एक वर्ड कंटिन्यूअस जो होता है उससे, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, जो जारी है, बिना रुके जो हो रहा है वो प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है। अब कंटिन्यूअस से कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है। सपोज फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन यानी क्या होता है, ये आपने फंक्शन चैप्टर में देखा था। इसके बेसिक्स क्या होते हैं कि जैसे हमारे पास अलग अलग टाइप्स के फंक्शन होते हैं जिसके लिए एक शॉर्टकट कोड है LIATE, यानी लिएट। L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, I फॉर इनवर्स फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो फंक्शन होते हैं इसको हम ऐसे लिखते हैं, F फॉर फंक्शन, फंक्शन ऑफ x यानी x वेरिएबल है। सपोज मैं अलजेब्रिक फंक्शन लेता हूँ इस तरह से, तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब जो ये फंक्शन होते हैं लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, इनका मैथमेटिकल फॉर्म होता है और इनका एक जो है ग्राफ मेथड होता है फॉर रिप्रेजेंटेशन। यानी हर एक फंक्शन को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने टेंथ में सीखा था कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, या तो 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस है ये, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसको सेटिस्फाई करने वाला x और y की वैल्यूज फाइंड करके। हमने टेंथ में किया था कि लाइन प्लॉट करते हैं, और ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एंड वाई, उसके ऊपर आपने लाइन बना दी है। अब ये जो लाइन है, क्या ये लाइन कंटिन्यूअस है या किसी पॉइंट पे इसमें ब्रेक है यहाँ पर, वो हम इस चैप्टर में चेक करेंगे। जो भी फंक्शंस होंगे उस फंक्शन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उस ग्राफ में, जो ये फंक्शन है क्या वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर वो कंटिन्यूअस है तो हम लिखते हैं द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट मतलब अगर मुझे बोल दिया गया कि एट x इज इक्वल टू a, या तो एट x इज इक्वल टू 2, किसी एक पॉइंट पे चेक करो इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। इस पूरे चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इस पॉइंट पर समझो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है, 1 2, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर मुझे चेक करने बोला, तो ये जो कंटिन्यूटी चेक करने का एक प्रोसेस होता है लिमिट का यूज़ करके हम करते हैं, क्या होता है मैं भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखोगे इस ग्राफ में जो x इज इक्वल टू 2 है वहाँ पर ये पॉइंट ब्रेक है, इसको सॉल्व करके देखेंगे उस मेथड से। अगर यहाँ ब्रेक होगा तो हमें लिखना होगा द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अगर हमें बोला जाता 1 पॉइंट पे, तो 1 पे यहाँ देखोगे तो ये यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं दिख रहा है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 1, अगर ऐसे होता तो। बट हर बार हमें ग्राफ बना के तो आएगा नहीं कि हम ऐसे देख के बता दें कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। हमें इस तरह से फंक्शंस दिए होंगे, या कोई ऐसा फंक्शन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2 sin x + 5, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो साइन एक्स है इसका ग्राफ इस तरह से होता है, इस तरह से आप देखोगे तो साइन ग्राफ ऐसे होता है, इसको बोलते हैं साइन ग्राफ। ठीक है, साइन किसी भी इक्वेशन में है तो उसका ग्राफ ऐसे होता है, अप्स एंड डाउन इस तरह से होते हैं। तो इसके अंदर भी हम x की वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। बट क्या हमें ग्राफ बनाना है, बिल्कुल नहीं। तो ये सब क्यों बता रहे हो, तो ये कंटिन्यूटी का कंसेप्ट होता है कि जो भी फंक्शंस होते हैं उसको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो जो फंक्शन है उसका जो ग्राफ है क्या हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं, वो कैसे चेक करना है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे डिस्कस की जाती है या चेक की जाती है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसके लिए कुछ बातें याद रखनी होगी, आओ चले देखते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स दिए हैं, 1 2 3, कि फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इफ
कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ, यानी क्या है कि कोई भी फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर, अगर जो एफ है फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑन एन ओपन इंटरवल, यानी जो कोई एक ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मतलब ऐसे मान सकते हो 3 to 7, ये आपको पता ही है, ये क्लोज्ड इंटरवल होता है, ये ओपन इंटरवल है। तो इस तरह से कोई एक ओपन इंटरवल है उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे हर एक पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए। दूसरा कि वो जो फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन है, इस फंक्शन का जो लिमिट है एक्स टेंड टू ए, बिकॉज हम लोग पॉइंट क्या ले रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ए, तो इस पॉइंट एक्स टेंड टू ए इस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। और तीसरा कि जो फंक्शन होता है उसका लिमिट अगर हम निकालते हैं और इसी फंक्शन में अगर x की जगह a रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ सॉल्व करके, समझो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में अगर मैं x की जगह 2 ले लूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 square plus 3 2 plus 5, यानी 2 square 4 into 2 8 6 5 14 plus 5 19 आ गया, जो फंक्शन की वैल्यू एट 2 आई 19। अगर मैं इस फंक्शन का लिमिट निकालता हूँ, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन एक्स टेंड्स टू 2, ये हमने उस फंक्शन की वैल्यू निकाली, ये उस फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हैं, यानी कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू 2, फंक्शन क्या है 2x² + 3x + 5। अब मुझे क्या करना होगा, ये लिमिट सॉल्व करना होगा लिमिट चैप्टर के जैसा। कैसे सॉल्व होगा, तो आपने सीखा था कि अगर कोई फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो रहा है तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ देखोगे डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब आप एक्स की जगह 2 रख सकते हो, तो जैसे ही 2 रखोगे 2 square plus 3 into 2 plus 5, तो ये हो जाएगा 2 square 4 into 2 8 6 5, और वापस से 19 आया, मतलब इस फंक्शन की जो वैल्यू थी और इस फंक्शन का जो लिमिट था वो दोनों इक्वल आ गए। आप बोलोगे ये जैसे सॉल्व हुआ ये भी तो वैसे सॉल्व हुआ, ये लिमिट इसलिए ऐसे ही सॉल्व हो गया बिकॉज यहाँ अपॉन नहीं था, अगर अपॉन होता तो आप जैसे लिमिट सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व करके वैल्यू निकालते। अगर किसी लिमिट की वैल्यू, जैसे ये लिमिट की वैल्यू थी और उसी फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट, ये जो एक्स टेंड टू ए है दोनों सेम आती है, तो हम बोलते हैं जो गिवन फंक्शन है दैट इज़ कंटिन्यूअस। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए ये तीन बातें हमको देखनी होती है कि जो फंक्शन है वो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए या डिफाइंड होना चाहिए, जो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। अब आपको तो पता है किसी किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता है वैल्यू रखने के बाद भी, तो लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए और जो फंक्शन का लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अब ये जो फंक्शन का जो लिमिट है एग्जिस्ट होना मतलब क्या, इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देते हैं कि आपने जब लिमिट चैप्टर सीखा था तो बहुत सारे जो क्वेश्चन थे उसमें ऐसा था कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा लिख के हम छोड़ देते थे जो सॉल्व नहीं होता था। ओके, अब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन है उसका लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, तो देखो अभी इसमें और भी कंसेप्ट है, राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमने लिमिट में सीखा था। कोई भी फंक्शन है उसके अंदर दो लिमिट होता है, जैसे कि मुझे चेक करना है एक्स टेंड टू 2 - fx और लिमिट एक्स टेंड टू 2 + fx, इसका मतलब क्या, ध्यान से देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कि जब x की वैल्यू 2 से कम है, मतलब इस तरह से समझो कि ये 2 है, यहाँ 1 है और ये 3 है, जब x की वैल्यू 2 से कम है यहाँ कहीं है और 2 बनना चाहती है, x 2 बनना चाहता है बट 2 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है 2 को, एट दैट टाइम जो फंक्शन की वैल्यू है अगर वो इक्वल है किसको, लिमिट fx एक्सटेंड टू 2 प्लस, मतलब क्या, जब x की वैल्यू 2 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट जब x की वैल्यू 2 से थोड़ा ज़्यादा है या राइट साइड से अप्रोच कर रहा है x का वैल्यू, एट दैट टाइम दोनों का जो लिमिट है अगर इक्वल है तो हम बोलते हैं कि जो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी। सीधी सी बात, जब भी कोई लिमिट एग्जिस्ट होता है या नहीं चेक करना है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के हम चेक करेंगे। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सम्स बताऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, खाली याद रखो कि ऐसा कुछ होता है। अभी कोई भी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसमें एक ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है, लिमिट एच टेंड टू 0, एच एक डिफरेंस होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये जब हम सम्स करेंगे तो उस समय यूज़ करते समय मैं आपको बताऊंगा। कंटिन्यूटी के अंदर अभी और भी कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ।
एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, इसका मतलब क्या कि बहुत सारे जो ऐसे फंक्शन होंगे जो हमें क्वेश्चंस में मिलेंगे, जिनको कहा गया होगा कि बताओ कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स या टाइप्स ऑफ फंक्शन हैं जिनको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि दीज आर कंटिन्यूअस फंक्शन। कौन से ऐसे फंक्शन है जो दिखते ही आप कंटिन्यूअस लिख सकते हो, वो हम देखेंगे। तो ये बड़ा आसान होता है, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप उसको पहचान के सीधे लिख दोगे कि दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज दिस, यानी प्रॉपर्टी जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला है कॉन्स्टेंट फंक्शन, यानी कि कोई भी अगर फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट है। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू के, के अब इसके अंदर एफ एक्स का जो ये इसमें x आया ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3, अब यहाँ तो x है ही नहीं, तो एफ एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो 1, 2, 3, तो इसका आंसर हमेशा 3 रहेगा। तो ऐसे फंक्शन को कॉन्स्टेंट फंक्शन बोलते हैं, और कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई फंक्शन मिल जाए कॉन्स्टेंट फंक्शन और बोला जाए बताओ ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, आप डायरेक्ट लिखना सिंस इट इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन देयरफॉर दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। दूसरा कि पावर फंक्शन, पावर फंक्शन यानी क्या कि सपोज कोई फंक्शन एफ एक्स है और यहाँ पर एक्स रेस टू एन है। अब ये जो एन है ये एक्स रेस टू एन, एन यहाँ पर ये इंटीग्रल पार्ट है इसका, तो ऐसा जो कुछ भी होगा ये पॉजिटिव होना चाहिए एन, ओके। तो ऐसा कभी आपको फंक्शन मिला तो वो फंक्शन भी है पावर फंक्शन होता है और वो भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है एट ऑल वैल्यूज ऑफ आर, आर मतलब रियल वैल्यूज, रियल नंबर्स। तो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो हर एक के लिए ये जो दोनों टाइप के फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होंगे। और भी कुछ फंक्शन है जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, आपको कभी पॉलिनोमियल फंक्शन मिल जाए वो भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। वो क्या होता है, जैसे कि 3x^5 + 2x^4 + 7x^3 + 4x² + 3x + 2, इस तरह से कोई पॉलिनोमियल है समझो एफ एक्स, तो ये ऐसा कोई पॉलिनोमियल होगा तो वो पॉलिनोमियल भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ऐसा कभी क्वेश्चन मिला और आपको बोला जाए कि बताओ कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आप सीधे लिखोगे सिंस इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट ऑल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर, यानी रियल नंबर के अगर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, यानी एक्स की जितनी भी वैल्यू है जो रियल नंबर होगा उसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक की बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसके अंदर आपको पता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये होते हैं। इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स ये जो फंक्शंस होते हैं दोनों, अगर किसी फंक्शन एफ एक्स के आंसर में साइन एक्स और कॉस एक्स है तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। आपको मिला तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सिंस इट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इट विल बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर। इसके साथ ही एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल आपको पता है ए रेस टू एक्स हो सकता है, लॉगरिथमिक मतलब इस तरह से होगा लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, अगर एक्सपोनेंशियल है या लॉगरिथमिक है तो भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हमेशा कि सिंस इट इज़ एक्सपोनेंशियल दिस विल बी कंटिन्यूअस, सिंस इट इज़ लॉगरिथमिक इट विल बी कंटिन्यूअस। यहाँ पर ये जो लॉग में कंडीशन होता है जो बी होता है ना बी बेस वो वन को इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो यहाँ पर एक्स होता है ये या ए होता है, ये जो ए होता है ये पॉजिटिव होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो इस तरह से ये होना चाहिए। और एक होता है रैशनल, रैशनल मतलब क्या होता है, रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन मतलब कोई भी दो पॉलिनोमियल, जैसे ये पॉलिनोमियल है ना तो कोई समझो पॉलिनोमियल पी एक्स है उसको हमने क्यू एक्स से डिवाइड किया, दो अलग अलग पॉलिनोमियल एक दूसरे को डिवाइड किया है, तो अगर इसमें जो क्यू एक्स है इस क्यू एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है, डिनोमीटर जीरो नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस होगा बिकॉज इट इज़ अ रैशनल फंक्शन, यानी रैशनल मतलब रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो इतने सारे जो फंक्शन के टाइप्स होते हैं ये याद करके रखो आप बेसिक्स में, ये आपको एक्सरसाइज में बहुत काम आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट प्रूफ करना नहीं होगा, डायरेक्ट लिखना होगा कि ये पॉलिनोमियल है इसलिए ये कंटिन्यूअस है, या तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस है, या तो आप लिखोगे सिंस इट इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूअस, इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये कहाँ से आया, डायरेक्ट आपने कैसे लिख दिया, तो डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हैं बिकॉज ये प्रॉपर्टीज़ होती है उसके एग्जाम्पल से, तो इसको आपको याद करके रखना है। अब इसके बाद चलो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन देखते हैं। अगर कोई भी दो फंक्शन है इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन है अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ और जी जो ये दो फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं
ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है अगर, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप दोनों को प्लस करते हो तो जो नया फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। दूसरा, अगर इन दोनों फंक्शन को आप माइनस करते हो, दोनों कंटिन्यूअस है, तो माइनस करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। तीसरा, अगर इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो भी जो नया फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। अगर इन दोनों फंक्शन को आप डिवाइड करते हो तो भी जो नया फंक्शन आएगा कंटिन्यूअस होगा। अगर इस फंक्शन में f के अंदर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, या तो जो g है उसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो भी जो नया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। इसके साथ ही आपने सीखा था फंक्शन चैप्टर में f ऑफ जी एक्स या तो g ऑफ एफ एक्स, ऐसा अगर कुछ होगा तो भी अगर आप एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन निकालते हो, जैसे f और g दोनों कंटिन्यूअस है, तो आप जी एक्स का f निकालते हो या एफ एक्स का जी, इसको आप कैसे बोल देते हैं, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, तो भी वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यानी कि कोई भी अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है उनके ऊपर अगर अलजेब्रा यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन, तो वो जो नया फंक्शन आता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है। अभी बेसिक के अंदर और एक बातें हो गई, अभी तक हम कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे थे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी कुछ होता है और उसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो आओ चलो डिस्कस करते हैं डिसकंटिन्यूटी। अगला जो कंसेप्ट है डिसकंटिन्यूटी का, कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी देखते हैं, कि जैसे मैंने बताया था कि ये कोई एक फंक्शन है समझो, अगर किसी एक पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है, वहाँ पर ब्रेक है, वहाँ पर जो ये फंक्शन है कंटिन्यूअस नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एनी पॉइंट। सपोज एक्स इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ऐसा हो सकता है, बट ग्राफ तो हमें दिया नहीं होगा तो कैसे चेक करें। तो इसके लिए भी मैंने बताया था डिसकंटिन्यूअस तब होता है, कंटिन्यूअस के थ्री कंडीशंस होते हैं। डिसकंटिन्यूटी होने के लिए यहाँ पर दो टाइप से डिसकंटिन्यूटी होती है, एक होता है जंप डिसकंटिन्यूटी और एक होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल मतलब एक ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, यानी उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है बट उसमें कुछ ऐसा हम करें कि वो कंटिन्यूअस हो जाए, तो ये यहाँ पर हो सकता है। जो ये जंप होता है इसका ही दूसरा नाम है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, इस फंक्शन को कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बना सकते। तो ऐसा दो कंसेप्ट है। तो अब इसको देखते हैं ये डिसकंटिन्यूटी कैसा होता है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर 3x माइनस 2 लिख देता हूँ, और इज इक्वल टू 5। इस तरह से जो फंक्शन की तीन वैल्यूज दी हुई है और इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि वेन एक्स इज बिटवीन 1 एंड 3, यानी जब वो 3 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा, इस तरह से इक्वल टू 3 ये दिया हुआ है, वेन एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5, ओके इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जब फंक्शन ये x की वैल्यू 6 होगी या वेन एक्स इज 0, तो इस तरह से ये थ्री कंडीशन दिए हुए हैं थ्री फंक्शंस के लिए। फंक्शन थ्री टाइप से है, एक ही फंक्शन यहाँ पर एक ही एफ एक्स को थ्री कंडीशंस में दिया है, कि जब एक्स की वैल्यू 1 और 3 के बीच में होती है तब फंक्शन का आंसर ये होता है, जब एक्स की वैल्यू 3 से 5 के बीच में होती है तब फंक्शन का आंसर ये होता है, जब एक्स की वैल्यू 0 होती है तब फंक्शन का आंसर ये होता है। अब ऐसा कोई फंक्शन है इसमें क्या होगा, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड टू, अगर मुझे 3 लेना है और एफ एक्स लेना है, ये एग्जिस्ट होता है कि नहीं पहले वो चेक करना है। कोई भी लिमिट किसी भी फंक्शन का एग्जिस्ट कब होगा, जब लिमिट एक्स टेन टू 3 माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेन टू 3 प्लस एफ एक्स, ये दोनों का जो आंसर है इक्वल आएगा, यानी लिमिट एक्स टेन टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू 3 प्लस एफ एक्स, यानी इन दोनों का हम आंसर निकालेंगे। दोनों का आंसर अगर इक्वल आया तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट होगा। ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया। लेकिन ये क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट, जब एक्स की वैल्यू 3 से कम होती है उस टाइम फंक्शन सेलेक्ट करना, जब एक्स की वैल्यू 3 से ज़्यादा होती है उस टाइम फंक्शन सेलेक्ट करना। अब इस एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ कि एक्स टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स, यानी जब एक्स की वैल्यू 3 से कम है, तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू 3 से कम है और यहाँ 3 से ज़्यादा है, तो जब 3 से कम है उस समय फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, तो आप यहाँ पर लिखोगे लिमिट एक्स टेंड टू 3
ये माइनस है वो हटा दोगे और एफ एक्स की जगह पर ये वाला फंक्शन लोगे 2x+3। कोई बोलेगा क्यों ये लिया, ये भी तो ले सकते थे, बट यहाँ कंडीशन थी x टेन टू 3 माइनस, 3 माइनस मतलब लेस देन 3, तो 3 से कम, 3 से कम तो यहाँ पर x इज लेस देन 3 यानी ये फंक्शन, 3 से ज़्यादा बोलेंगे तो ये फंक्शन लेना होगा। यहाँ पर देखो लिमिट x टेन टू 3 एफ एक्स, अब यहाँ पर 3 प्लस है, इस प्लस और माइनस के हेल्प से सिर्फ हम फंक्शन को सेलेक्ट कर दें, इसलिए मैं ये प्लस यहाँ से हटा दे रहा हूँ और ये जो एफ एक्स है अब एफ एक्स सेलेक्ट करूँगा, एफ एक्स की वैल्यू 3 3 है, तीनों में से कौन सी होगी, तो ये 3 प्लस है, 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा मतलब ये देखो x इज ग्रेटर देन 3, तो ये फंक्शन, तो ये जो एफ एक्स था यहाँ पर मैं 3x-2 लिखूंगा, और ये जो प्लस था वो नहीं लिख रहा हूँ, प्लस के बदले मैंने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया, या माइनस था वो भी नहीं लिखा, बिकॉज माइनस मतलब हमको फंक्शन सेलेक्ट करने में हेल्प करता। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हो गया राइट हैंड लिमिट, अब दोनों को सॉल्व करके आंसर निकालते, सॉल्व कैसे करोगे, लिमिट लिमिट चैप्टर में आपने सीखा था, अपॉन नहीं है तो x की जगह डायरेक्ट 3 रख दो, तो 2 × 3 + 3, 2 × 3 = 6 + 3 = 9 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 9 आया। इसको सॉल्व करते हैं, 3 x की जगह 3 रखना, 3 × 3 - 2, 3 × 3 = 9 - 2 = 7, लेफ्ट हैंड लिमिट 9 आया था, राइट हैंड लिमिट 7 आया, दोनों का आंसर 9 और 7 इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे लिमिट x टेन टू 3 fx डज नॉट एग्जिस्ट, ये लास्ट में आपको लिखना है, क्यों एग्जिस्ट नहीं हो रहा, बिकॉज इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता, और कोई लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं होता तो उसके अंदर जंप डिसकंटिन्यूटी होती है, अगर उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है तो हम बोलते हैं इसके अंदर जंप डिसकंटिन्यूटी है, और इसको नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, कि ये फंक्शन कभी भी, ये जो फंक्शन है ये कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो ये हो गया जंप डिसकंटिन्यूटी का एग्जाम्पल, क्या होता है कंसेप्ट, आओ चलो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को देखते हैं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी सीखने के लिए मैंने जो अभी एग्जाम्पल लिया था इसको चेंज कर दिया है, अब ये एक नया एग्जाम्पल है, जो यहाँ यूज़ हुआ था उसमें कुछ अलग चीज़ें थी, अब ये अलग है, क्योंकि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जंप है, तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल देखा, अब रिमूवेबल में कुछ बातें अलग होती है, क्या होता है देखो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहला केस इसके अंदर कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी कि जो लिमिट है समझो x टेन टू 3 माइनस एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट x टेन टू 3 प्लस एफ एक्स, ये दोनों इक्वल आना चाहिए, ये दोनों इक्वल आया तो हम क्या बोलेंगे लिमिट x टेन टू 3 एफ एक्स एग्जिस्ट, यानी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट होता है। जंप वाले में क्या था, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं होता था क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं था, यहाँ पर क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा और लिमिट एग्जिस्ट होगा, लेकिन तुमको मैंने कंसेप्ट बताया था डिसकंटिन्यूटी के लिए कंटिन्यूअस होने के लिए कि जो लिमिट होता है लिमिट x टेन टू सपोज 3 एफ एक्स है, अब क्या मैं लिमिट x टेन टू 3 जो एफ एक्स एग्जिस्ट हुआ है ये लिमिट अगर इस फंक्शन f ये जो x टेन टू 3 है ना अगर f ऑफ 3 निकाले डायरेक्ट वैल्यू तो इसका वैल्यू और इस लिमिट का वैल्यू दोनों का आंसर अगर सेम आता है तो कंटिन्यूअस होगा, बट हम तो डिसकंटिन्यूटी कर रहे हैं इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं आना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में दोनों के जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट यानी x टेन टू 3 माइनस और 3 प्लस एफ एक्स ये दोनों का आंसर तो सेम होगा लिमिट एग्जिस्ट होगा, ये लिमिट का आंसर तो आ रहा है बट जो f3 वैल्यू है उसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम नहीं होगा, ये ध्यान से देना देखना। अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ एडिट किया है, समझो मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ थोड़ा सा, एक एग्जांपल मैंने लिया है, अब मैं ये सारी चीज़ें करके दिखाता आपको कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कैसे होता है, और हमें अगर एक क्वेश्चन आया कि रिमूव द डिसकंटिन्यूटी यानी कि अगर ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है पहले पता लगाओ कि डिसकंटिन्यूटी जंप है या रिमूवेबल है, अगर रिमूवेबल है तो उस डिसकंटिन्यूटी का रिमूव करके आप उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बनाओ, ऐसा क्वेश्चन आपको है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट ध्यान से देखना शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर देखोगे दोनों सेम है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे 3 माइनस तो 3 से लेस ये वाला फंक्शन है 2x+3 सो 2x+3 एक्स की जगह 3 रख दो डायरेक्ट 2 × 3 = 6 + 3 = 9 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखते हैं व्हेन x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स 3 प्लस यानी 3 से ज़्यादा देखो 3 से ग्रेटर ये फंक्शन क्या है x square
तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेने वाले हो, एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना था, एक्स, एक्स यहाँ पर देखो एक्स टेन टू थ्री है, तो थ्री स्क्वायर, थ्री स्क्वायर नाइन, दोनों सेम आ गया, ये दोनों सेम आ गया। इसका मतलब क्या कि दोनों जो इक्वल है, लिमिट एक्स टेन टू थ्री माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू थ्री प्लस एफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रहा है, देयरफॉर लिमिट एक्स टेन टू थ्री एफ एक्स एग्जिस्ट, यानी लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस होने के लिए हम फंक्शन की वैल्यू निकाल दें। नाउ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, मतलब एफ की जगह पर थ्री लेना है, एफ ऑफ थ्री, अब देखना है एक्स की वैल्यू थ्री कहाँ पर है, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री नहीं है, एक्स इज इक्वल टू थ्री नहीं है, एक्स इज इक्वल टू थ्री है, तो इस टाइम इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये एट है, देन एक्स इज इक्वल टू थ्री द फंक्शन वैल्यू इज एट, तो यानी कि एफ थ्री होने के बाद फंक्शन की वैल्यू एट है। अब ये लिमिट और इस फंक्शन की वैल्यू सेम है क्या, देखो यहाँ पर जो लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, दोनों का जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू था नाइन नाइन, इसका भी वैल्यू नाइन होता है, तो जो लिमिट एक्स टेन टू थ्री है वो नाइन है, और जो फंक्शन है उसकी वैल्यू एट है, दोनों अलग है। मतलब क्या बोलेंगे हम, द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ एफ थ्री, अगर ये लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अगर ये दोनों सेम होता तो हम बोलते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका कंसेप्ट मैंने पहले ही बताया था कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, कि जब फंक्शन का लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम हो जाए। अगर ये भी नाइन होता, यहाँ नाइन दिया होता, तो हम बोलते हैं कंटिन्यूअस है, बट ये डिसकंटिन्यूट है, कंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूटी में भी या डिसकंटिन्यूस में भी कौन सा है, जंप है या रिमूवेबल, तो हम बोलेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू वो अलग है, इसीलिए वो इक्वल नहीं है, इसलिए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अब अगर हमको क्वेश्चन बोला जाए कि इस रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करो और इसको कंटिन्यूस बना, तो इस क्वेश्चन को हम रीडिफाइन करेंगे, या तो यहीं पर करता हूँ, रीडिफाइनिंग दी फंक्शन, जो फंक्शन है उसको आप रीडिफाइन करोगे, लास्ट में ये सब करने के बाद वापस लिखोगे, ये जो क्वेश्चन था फंक्शन का वापस लिखोगे, एफ एक्स ये बराबर है, ये बराबर है, जो फंक्शन की वैल्यू है, देखो लिमिट की वैल्यू नाइन है, वो तो चेंज नहीं कर सकते, अगर इस क्वेश्चन में जहाँ फंक्शन की वैल्यू एट था, अगर ये नाइन आ जाता तो सेम हो जाता, तो हम क्या करेंगे, जो एट दिया यहाँ पर सिर्फ आपको नाइन लिखना होगा, इसको बोलते हैं रीडिफाइनिंग द फंक्शन टू रिमूव द डिसकंटिन्यूटी। तो आप जो क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन इसको लास्ट में लिख दोगे, सब कुछ लिख दोगे, जो फंक्शन की वैल्यू दी होगी ना, जो लिमिट की वैल्यू आ रही है उसी को लिख दोगे, जो पुरानी वैल्यू थी अलग वो हटा देंगे, उसकी जगह लिमिट की वैल्यू लिख देंगे, तो इस तरह से किसी भी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने बताया ये पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट था कंटिन्यूटी चैप्टर का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 नेक्स्ट लेक्चर में।